हे फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा, मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम डोसा बनाने जा रहे हैं विथ बैटर। तो डोसे का बैटर भी बनाएंगे और क्रिस्पी डोसा भी बनाने वाले हैं। सो ये तो इंडिया का सबसे फेवरेट स्नैक है, तो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। और एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऐसी ही रेसिपी बनानी है और इतने ही क्रंची क्रिस्पी डोसा बनाने हैं, सो लेट्स सी इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। फ्रेंड्स, डोसा का बैटर बनाने के लिए मैंने चावल लिए हैं। ये 2 कप जितने चावल है और ये मोटे चावल है। आप चाहो तो सोना मसूरी या बासमती कोई भी चावल ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पर मोटे चावल यूज किए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं डोसा बनाने के लिए। साथ ही हमने एक बाउल लिया है जिसमें कि हम ये उड़द की दाल डालने वाले हैं 1/2 कप जितना। पोहा डालेंगे 3/4 कप और साथ ही मेथी के कुछ दाने डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना। अब हम सबसे पहले इनको बहुत ही अच्छे से धो लेंगे। कम से कम 3 या 4 बार बहुत सारा पानी लेकर आप इसे धो लीजिए। ये देखिए, इसको हमने एकदम अच्छे से धो लिया है। अब बारी आती है इसको सोक करने की, मतलब इसको भिगो कर रखने की। आप चाहो तो रात को इसको 7 से 8 घंटे के लिए रख सकते हो भिगो कर ओवरनाइट। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, पानी खूब सारा मिलाइए। देखिए, दोनों में मैंने कम से कम 2-2 ग्लास जितना पानी मिलाया है। आप जितना बड़ा बर्तन लोगे आप उसको भर दीजिए। ये देखिए, कम से कम 8 घंटे बाद, मैंने इसको 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और ये देखिए इसकी साइज बहुत ही बढ़ गई है। अब हम इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं चावल को ग्राइंड करने जा रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, एकदम ही थोड़ा सा पानी मैं मिलाने जा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा पानी। ये देखिए, मैंने चावल पीस लिए हैं और अब एक मैं बड़ा वेसल लूंगी, बड़ा बर्तन लूंगी, उसमें ये मैंने बैटर खाली कर दिया है। इसी तरह से मैं पूरे चावल पीस के इसमें खाली कर दूंगी। देखिए, चावल का बैटर मैंने बना लिया है। अब मैं दूसरा बैटर बनाने जा रही हूँ, पोहे, उड़द दाल और मेथी के दानों का। सो इसको भी हम ग्राइंडर में, उसी ग्राइंडर में मैं पीसूंगी और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाना मत भूलिएगा, और थोड़ा ही पानी मिलाना है स्टार्टिंग में। तो इसको भी हम पीस लेंगे और मैं ये उसी बैटर में मिक्स कर लूंगी। काफी थिक बन गया है ये, तो इसमें हमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं वैसे, बट मैंने इसको जानबूझकर गाढ़ा ही रखा है क्योंकि मैं पानी बाद में ऐड करूंगी, फर्मेंटेशन के बाद में। तो इसी तरह से ये मैं पूरा बैटर इसमें मिक्स कर दूंगी इनको भी पीस कर। ये देखिए, इसमें मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया है। इसको मैं इसी तरह से एकदम अच्छे से मिक्स करने जा रही हूँ। ये देखिए इसकी क्वांटिटी। अब हम इसको कम से कम 8 से 10 घंटे तक फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अच्छा, आपको पता है ये चीज टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज्यादा है, तो ये जल्दी ही हो जाएगा फर्मेंट, और अगर गर्मी कम है तो इसको बहुत ही टाइम लगता है। तो इसको मैंने ओवन में, बंद ओवन में 8 से 10 घंटे के लिए रख लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है। सो अगर आपका फर्मेंटेशन आप जल्दी चाहते हो तो इसको डार्क जगह पर रखिए, या फिर ओवन में रख सकते हो, या फिर आटे के साथ रख सकते हो। आपको पता है सूखा आटा रहता है, इसको उसके अंदर अच्छे से ढक कर रख सकते हो, और ढकना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो ये देखिए, अब हम इसको डोसा बनाएंगे। बट डोसा बनाने के लिए हम इसमें नमक स्वादानुसार और 3/4 ग्लास जितना पानी डालेंगे। तो अभी हम, लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो डोसा बनाने के लिए ये जो पैन लिया है मैंने, तवा लिया है, वो मीडियम हीट पर मैंने गरम किया है। ज्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए, ये हल्का गरम होना चाहिए, और इसको एकदम अच्छे से जेंटली हल्के से प्रेस करते हुए स्प्रेड कर दीजिए। देखिए, अब हल्का सा गरम हो चुका है।
तो अब हम इसको ग्रीस करेंगे एकदम अच्छे से। इसके लिए मैंने घी इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। सो 2 मिनट बाद हम इसको पलट सकते हैं या फिर आप इसको खा सकते हो आराम से निकाल कर। ये देखिए, अब मैं इसको एकदम स्लोली आराम से निकालूंगी। सो 2 मिनट बाद हम इसको एकदम अच्छे से आराम से निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी लग रहा है। सो ये हमारा एक डोसा तो तैयार हो गया है। चलो एक और बना लेते हैं हम लोग। सो इसी तवे पर हम बनाएंगे, और तवे को आप पानी छिड़क के उसको अच्छे से वाइप कर दीजिए, और उसी टेम्परेचर पर, मीडियम टेम्परेचर पर एकदम अच्छे से आराम से डोसा फैला दीजिए बैटर को। और हल्का गर्म होने पर इस पर घी या तेल लगाइए, इससे डोसा क्रिस्पी बनेगा। और 2 मिनट बाद आप इसको पलट भी सकते हो। ये डोसा मैंने पलट के इस तरफ से भी, आगे वाले तरफ से भी सेक लिया है। ये देखिए, इसका आगे का पोर्शन मैंने सेक लिया है। लुक एट दिस, वेरी यमी एंड डिलीशियस डोसा इज रेडी। और आप मेरी चटनी की रेसिपी देखना मत भूलिए इसके लिए, क्योंकि वो मैंने इसी के लिए बनाई थी। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू।